हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द नॉटी फ्रेंच मस्टीफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने डॉग फ्रेंच मस्टीफ के बारे में। तो गाइस, हमारे इस डॉग का नाम है ब्लू, जो अभी 4 मंथ्स का है और इसे हमने 3 मंथ पहले ही ख़रीदा था, जब ये 1 मंथ का था। हमारा ये डॉग बहुत ही शरारती है और हमने इसको एक ऑनलाइन ब्रीडर से ख़रीदा था 28,000 में, और 5,000 का हमने इसका सामान ख़रीदा था, जो हमें फुल 33,000 में मिला था, पूरा का पूरा डॉग और उसका सामान। और गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी अपने डॉग ब्लू के बारे में और फ्रेंच मस्टीफ डॉग्स के बारे में। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंच मस्टीफ की प्योरिटी के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले जो फ्रेंच मस्टीफ होता है वो एक ही कलर में आता है, जो आपको पिक्चर्स में दिख रहा है। लाइट और डार्क हो सकता है, पर कलर हमेशा यही रहता है। और इनकी बॉडी में वाइट मार्क और भी कोई भी कलर का मार्क कहीं पे भी नहीं होता, सिर्फ वाइट मार्क होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चेस्ट पे। एक प्योर फ्रेंच मस्टीफ की यही ही निशानी है। और जो फ्रेंच मस्टीफ है, इनकी आईज हमेशा लाइट कलर में हो सकती हैं। जैसे कि हमारी डॉग की आईज जो है लाइट ब्लू कलर में है, वैसे लाइट येलो में भी हो सकती हैं और एट्सेट्रा और भी, बट लाइट कलर में होती है। और इनकी नोज़ हमेशा पिंकिश शेड देगी, पिंक कलर में नहीं होगी, पिंक शेड जरूर देगी। और फ्रेंच मस्टीफ के ईयर बहुत ही ज़्यादा वाइड और बड़े बड़े होते हैं। आपको पिक्चर्स में दिख ही रहे होंगे हमारे डॉग के ईयर्स, जो बहुत ही बड़े हैं। और इनके आगे वाले पाँव का साइज भी बहुत ही बड़ा होता है, और बहुत ही सुंदर पाँव होते हैं इनके आगे वाले। और जो फ्रेंच मस्टीफ डॉग होते हैं वो 1 साल में अपनी पूरी हाइट निकाल लेते हैं और पूरे बड़े हो जाते हैं। पर ये तभी पॉसिबल होता है अगर हमारे डॉग की डाइट बहुत ही बढ़िया हो। और फ्रेंच मस्टीफ के माउथ पे रिंकल्स भी होते हैं, कई पर कभी ज़्यादा भी होते हैं, कईयों पे कम भी हो सकते हैं। गाइज, लाइक शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर आवर मोर वीडियोज ऑफ आवर फनी डॉग ब्लू। सब्सक्राइब।